अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। जब अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रूह की मरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है, तौबा करने से रूह की मरम्मत हो जाती है। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है। असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए, दरगुजर करके मोहब्बत को कायम रखा जाए, वरना रिश्ते ख़त्म करने का पछतावा आपको ज़िंदगी भर सुकून से सोने नहीं देगा। हम कभी भी किसी के लिए अहम नहीं होते। ये सब हमारे वहम का खेल है कि अगर हम अचानक कहीं गायब हो जाएं तो कोई हमारा मुंतज़िर रहेगा, या कोई किसी के वास्ते ना मुंतज़िर रहता है और ना बेचैन। लोग और चीज़ें इतनी तेज़ी से हमारी जगह को भर देती हैं कि कभी कभी अगर हम वापस लौट भी आएं तो खुद का आना खुद पे भारी गुजरने लगता है। दुख की दरारें चेहरों से ख़त्म तो हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर उतरकर उस एक गोशे को वीरान कर देती हैं जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए मखसूस होती है। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग उन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। मर्द अगर चाहता है कि वो औरत के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना और जल्द रो देना एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है। इसकी वजह जज्बात में शिद्दत का होना है। ये सब खूबियाँ कभी किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इनका ताल्लुक उन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, पर खुद को बराबर अजियत में डाले हुए होते हैं। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी जिंदगी के लिए जहनी मरीज बनाने के लिए काफी होती है। कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर उनका कोई नाम नहीं होता। उन पर हमारा हक खुद ब खुद इस तरह हो जाता है कि वो हमें हर हाल में अपने साथ चाहिए होते हैं, बिना किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के। बस उनका हमारी ज़िंदगी में होना ही हमारे लिए सकून और तसल्ली का बाइस होता है। मोहब्बत में बच्चा बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार। इस तरह सच्ची मोहब्बत कर सकोगे और समझदारी से काम लेते हुए लड़ाई भी ना करोगे, हमेशा खुश रहोगे। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हजम नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। दुनिया की सारी कामयाबियाँ समेटने के बाद भी मर्द अपनी मनपसंद औरत के कदमों में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। मर्द आँखों से मोहब्बत करता है और औरत कानों से मोहब्बत करती है। मतलब मर्द उस औरत से मोहब्बत करता है जो खूबसूरत हो, और औरत उस मर्द से मोहब्बत करती है जो बातें दिल फरेब करता हो। जन्नत की हूरों से भी बढ़ के है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त उसे प्यार करता है,
उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है।